नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ। हासिल की आरक्षण मित्रों, समाज के अंदर बहुत से वर्ग होते हैं, वर्णपटी होते हैं। समाज का अपना एक रुतबा होता है, समाज का अपना एक एजेंडा होता है, समाज की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, समाज की अपनी कुछ सामाजिक सरोकार की बातें होती हैं। आज हम एक ऐसे समाज में बैठे हैं जो सैन समाज, अति पिछड़ा समाज माना जाता है ये समाज, और सदियों से इस समाज की समाज में एक प्रतिष्ठा है। हम अगर पुरानी बात करें सैन समाज की, जब कभी विवाह शादी होती थी तो सैन समाज का एक प्रतिनिधि ऐसा होता था कि जो दो परिवारों का मिलन करवा, उसके बाद सैन समाज का प्रोफेशन आप जानते हैं कि हमें आम आदमी को सवारना, उनकी केस सज्जा करना, बार्बर का काम करना, ये प्रोफेशन उन्होंने एडेप्ट किया। लेकिन सरकारें आई, गवर्नमेंट्स आई बनी सैन समाज की, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस अति पिछड़ा वर्ग सैन समाज की कोई आज तक कोई विधायक भी बना है। याद आ रहा है बड़ा तसव्वुर की बात कि कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में बने एक मरतबा और जमीन से धरातल से जुड़े हुए व्यक्तित्व के धनी थे। आज सैन समाज के लोग मेरे साथ बैठे हैं, दो मौजों हैं, आदरणीय मलिक साहब प्रेम मलिक जी जो एक सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्तित्व, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आंचल से उठकर देश की राजधानी में पहुंचे, ग्राउंड जीरो से उठकर एक अंपायर और एक मुकाम हासिल करने वाले प्रेम मलिक जी यहां सैन समाज के लोगों से 10 तारीख को उनके शहीद सम्मान बाइक रैली के लिए न्योता देने आए। उन्होंने न्योता भर दिया था कि सैन समाज ने उनको अपने पलकों पर बिठा लिया और भरपूर यानी समर्थन देने का आह्वान किया। एक मेरे साथी, मेरे चैनल के एडिटर, हम दोनों साथ काम कर रहे हैं, जुझारू पार्षद अजय सैनी साहब, ये पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में रहे। कांग्रेस पार्टी में भी रहे तो बड़े जुझारू ढंग से रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने 11 तारीख को शामिल होने जा रही है, और 11 तारीख को डडल पार्क एक ऐतिहासिक जगह है वार्ड नंबर 4 की, उसके सामने जैन धर्मशाला है, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेता वहां पहुंचेंगे। विजेंद्र सिंह जी एमपी वे अन्य शीर्ष नेता आप लगा लीजिए, विजेंद्र सिंह एमपी आएंगे तो उनके साथ कितने और भाजपा नेता आएंगे। उनकी रहनुमाई में अजय सैनी जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। जब ये मौजूद इनसे पूछा गया तो करतल धमनी से अजय सैनी जी का भी इन्होंने समर्थन दिया और इनको आश्वासन दिया कि हम पूरी संख्या में वहां पहुंचेंगे। आइए बात करते हैं जैन सैन समाज के क्रोधा से, जो सैन समाज में एक अपनी जगह रखते हैं, हालांकि ये इस प्रोफेशन से नहीं जुड़े हुए, एलआईसी में अधिकारी हैं। राजेंद्र धनोदिया जी, राजेंद्र धनोदिया जी, पहले तो आप बताइए कि सैन समाज आज भी पिछड़ा हुआ है या आगे आपने कुछ समाज के अंदर आपका पिछड़ापन कुछ दूर हुआ है, किसी सरकार ने आपकी सुध ली है या नहीं ली है? देखिए सर जी, आज भी हमारा पिछड़ापन है समाज में, लेकिन पहले से कुछ सुधार है, क्योंकि एजुकेशन का प्रभाव होने की वजह से तो उसमें आज हमारा कुछ जो समाज है पहले से ठीक है। पहले काफी मतलब इसमें वो था, इतनी वो बात नहीं होती थी। आज हमारे जो दुकानदार साथी हैं उन्होंने भी अच्छे अच्छे शोरूम वगैरह खोल करके अपना अच्छा वो करते हैं, बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियों में भी गए हैं, तो उससे भी हमारे समाज का कुछ उत्थान हुआ है। परंतु राजनीतिक तौर पर हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज हरियाणा के अंदर हमारे समाज से कोई भी MLA प्रतिनिधि नहीं है हमारे समाज का। जी जी ठीक है, क्योंकि इसमें
एक तो क्या है, अब हमारा समाज छोटा सा समाज है और आजकल जातिगत आधार पर मतलब यानी कि चीजें वो होती हैं, उसी के आधार पर टिकटों का आवंटन होता है। कुछ वो कुछ हमारा संगठित न होना भी तो एक मुख्य कारण है इसमें। आज आपके बीच दो ऐसी शख्सियत आई, मलिक साहब से आप परिचित हैं और मलिक साहब एक समाज सरोकार के आदमी हैं। इनकी एस्पिरेशन है कि मैं एक समाज सेवा करते हुआ राजनीति में कदम रखूं और आगे इनकी भावनाएं भी ऐसी हैं। लेकिन जो ये 10 तारीख का जो कार्यक्रम है, शहीद सम्मान बाइक रैली, यानी शहीदों को नमन करना, शहीदों को सैल्यूट करना, शहीदों को सम्मान देना, उनकी प्रतिमाओं के आगे नमन करना, 6,000 बाइकर्स यानी शहर के अंदर जब निकलेंगे तो शहीदों को याद करते हुए निकलेंगे, जय घोष करते हुए निकलेंगे, एक प्रेरणा मिलेगी युवाओं को, तो उसमें आपका समाज किस कदर भाग लेगा और कितना आपने समर्थन दिया, दिल से दिया है या वैसे ही फौरी तौर पर मलिक साहब आए और उनको कह दिया सर हम तो आपके साथ हैं? नहीं, ऐसा है क्योंकि मलिक साहब से मैं वैसे पहली बार मिला हूँ, जब इनसे बातें हुई हैं उससे हमारा एक मतलब इनके अंदर इन्होंने बिल्कुल यानी कि पारदर्शिता से बातें की हैं, बिल्कुल साफ बातें की हैं इन्होंने, बिल्कुल यानी कि जमीन से लेकर के आगे तक की आज तक की जो बातें हैं कही हैं, बिल्कुल हमें उनसे प्रभावित हुए हैं इनसे, तब वास्तव में ये अपनी बातें सही कह रहे हैं और बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारा समाज जो है ना इसके जो जैसे शहीदों को नमन करने के लिए जो इन्होंने ये जो पहल की है, हम मानते हैं हमारा भी परिवार भी मतलब यानी कि शहीदों को याद करता है, करना भी चाहिए, हमारे देश को मतलब यानी कि गर्व होना चाहिए उन शहीदों पर, उसको मतलब यानी कि मद्देनजर रखते हुए हमारा समाज इनके साथ जरूर मतलब यानी कि जो बाइक जो रैली निकाली जाएगी 10 तारीख को जो रैली निकाली जाएगी हिसार चुंगी से निकाली जाएगी, मैं नियर अबाउट साहब ये बता रहा हूँ कि कम से कम यानी कि 60 बाइक से अब मतलब यानी कि मतलब हमारा इसमें मदद जरूर। ये रहा मलिक साहब का समर्थन, आज हम दो समर्थन यहाँ लेने के लिए आए, आज न्योता देने के लिए आए। अजय सैनी जी जुजारू पार्षद हैं वार्ड नंबर 4 के, इनकी इंडक्शन हो रही है बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे 11 तारीख को शामिल है। विजेंद्र सिंह जी MP आ रही हैं, श्रीनिवास गोयल जी जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं वो आ रहे हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी आ रहे हैं विधायक हिसार के, अन्य पार्टी के शीर्ष नेता आ रहे हैं और इन्होंने मन बनाया भारतीय जनता पार्टी में, धारा 370 हटी है उससे प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी नीति ट्रिपल तलाक पर भी इन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि अच्छा है मोदी जी अच्छे यानी राष्ट्रवादी भावनाओं से लेकर देश में काम कर रहे हैं, इसलिए ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। तो आप इनको कितना समर्थन दे रहे हैं और 11 तारीख को 5:30 बजे इनका आयोजन? बिल्कुल, इसमें जो अजय जी ने जो डिसीजन लिया है और जिसमें धारा 370 की बात करी है, ये पूरा आज हमारा समाज ही नहीं पूरा देश इस चीज को समर्थन में मतलब इस चीज में बिल्कुल आगे आ रहा है, आना भी चाहिए, बिल्कुल एक सच्चाई बात है जो कि चिरकाल से मतलब यानी कि लोगों की भावना थी कि एक देश के अंदर दो संविधान चलना मतलब एक हद तक की मतलब जो बात थी और जिसमें उस धारा 370 के होते हुए समाज पूरे देश का जो कितना खर्च वहां पर मतलब एक ही मतलब स्टेट में खर्च होता था वो कम से कम उसका बचत होगी और वो पैसा पूरे हमारे कंट्री के अंदर लगेगा। मैं भाई अजय सिंह से भी प्रभावित हूँ और उस धारा 370 का मैं बिल्कुल तह दिल से मतलब यानी कि मान सम्मान करता हूँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसी प्रकार से और भी अच्छे कदम उठाते रहेंगे, हम पूरा समर्थन करते हैं इनको भी इस बात के लिए। 11 तारीख को 5:30 बजे अजय धर्मशाला में आयोजन होगा। हाँ जी है, तो उसमें कितनी संख्या में अपने समाज के लोगों को वहाँ पहुँचाएंगे, मैं आपसे वादा ले रहा हूँ, कोई लिखित में नहीं ले रहा। नहीं सर जी, ऐसा है उस दिन संडे है, संडे को है 5 बजे का, हाँ 5 बजे का समय है। देखिए समाज संडे का जो प्रोग्राम रहता है, हमारे जो जो बार बार साथी हैं उनका एक किस्म का त्योहार होता है संडे का, मतलब चाहे काम तो चाहे उस दिन ना भी आए लेकिन बट दिमाग में ये सोच होते हैं कि संडे को मतलब अच्छा मतलब व्यावसायिक रूप से ज्यादा व्यावसायिक रूप से थोड़ा वो चीज होता है, फिर भी यानी कि हमारा जो समाज है हमारे जो बार यूनियन के जो प्रधान बैठे हैं श्री अनिल कुमार जी डोर, ये चीज के बारे में मतलब यानी कि पूरा थोड़ा आश्वस्त कर देंगे इस चीज के बारे में, तब भी मतलब यानी कि कितने हम दुकानदार साथियों को मतलब इसमें सम्मिलित कर पाएंगे। और साहब आप बताइए, मलिक साहब और अजय सैनी जी दोनों आमने सामने बैठे हैं, दोनों ही आपसे समर्थन मांग रहे हैं, खूब दिया, दिल खोल के दिया। ऐसा जी हमारी कोशिश होगी गिन के नहीं,
कोशिश होगी अनगिनत संख्या में। क्या बात है, क्या बात है। काम समर्थन करेंगे सर जी, कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा करते हैं, क्योंकि द्वार है जो हमारे प्रधान जी ने बोला है कि संडे हमारा त्योहार की तरह होता है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का पूरी कोशिश करेंगे, 101% कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे राजेंद्र जी और अनिल जी, अनिल जी बार्बर यूनियन के यहाँ हांसी के प्रधान है और समाज के प्रोधा है राजेंद्र दनोदिया जी। दोनों ने ही मलिक साहब को और अजय सैनी जी को दिल खोल के समर्थन दिया है। सैन समाज एक बहुत यानी कुशाग्र बुद्धि का समाज होता है, आईक्यू बहुत हाई होता है। जब हम किसी बार्बर की दुकान पर बैठते हैं और उसकी कुर्सी पर बैठते हैं, वो बाल काटता काटता हमारी 3 पीढ़ियों की बात पूछ लेता है और मुस्कुराता हुआ बाल काटता है और कहता है, नमस्ते साहब, अब दीजिए 100 का नोट। मुझे सच्चाई है, अरे शेव बनाने के तो 20 रुपए लगते हैं। सर इतनी बात मैंने आपसे बात की है, अरे इतने क्या बड़ी बात की है। वाकई ये बड़ा स्नेही समाज है, बहुत प्रेम बांटता है और हमें सवारता भी है। ऐसे समाज को मैं सैल्यूट करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो मीडिया पर आए। जुड़े रहिएगा हांसी की आवाज़ मीडिया से। हांसी की आवाज़ मीडिया इसी तरह आपको हंसाता रहेगा, ऐसे प्रोग्राम लेकर आता रहेगा। लेकिन एक वादा आपसे लेता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद भी दिया और मुझे भी खास कर दिया और मुझे झेला। मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, बार बार फीडबैक ही आती है। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैंने थोड़ा कम बोलना शुरू किया है लेकिन आज तो मुझे मजबूरी थी बोलना पड़ा है। फिर बोलता हूँ।